Very good morning, students. We did Aunt Jennifer Tigers by A Dream Rich in our last class. So we will start question answers of this poem today. Just come to the first question. What do you know about Aunt Jennifer Tigers? हमने इसमें पढ़ा था कि Aunt Jennifer के जो tigers हैं, वो कैसे हैं, उनकी कैसी nature है? Not living ones. First of all, वो real नहीं थे. वो एक tapestry पे, एक screen पे, एक panel के ऊपर बने हुए थे. किसने बनाया था उनको? आंट जेनिफर ने बनाया था. दैट्स व्हाई उनको आंट जेनिफर टाइगर हमने बोला है. दूसरी बात, वो निटेड थे, एम्ब्रॉयडरी की हुई थी एक टेपेस्ट्री के ऊपर, एक पैनल के ऊपर, एक स्क्रीन के ऊपर, जंपिंग अक्रॉस स्क्रीन. और किस मोशन में थे वो? जंपिंग मोशन में बना रखे थे कि जंपिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं. एंड लुक लाइक शाइनिंग येलो टोपाज. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था बेटा, टोपाज जो है वो एक प्रीशियस स्टोन है, एक जेम है जिसके बारे में बोला हुआ है. और वो येलो कलर के थे जो शाइन कर रहे थे, टाइगर्स का जो कलर होता है. वेल ग्रूम्ड, ऑनरेबल, कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस. अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स के अंदर कि आपने आंट जेनिफर के टाइगर्स को डिस्क्राइब करना बेटा, तो आपने बताना है कि बहुत वेल ग्रूम, ऑनरेबल, बहुत कॉन्फिडेंट जो थे, गैलेंट, मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था वर्ड. और फियरलेस, क्यों बोला फियरलेस? क्योंकि आपके पास टेक्स्ट में लाइन है कि दे डोंट फियर द मैन अंडर द ट्री, कि जो मैन है ट्री के अंडर वो उससे डरते ही थे. दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे फियरलेस लिखा है. तो आपने ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं. वो लिविंग वन थे, लिविंग वन नहीं थे, सॉरी, वो रियल नहीं थे. वो सिर्फ एक पैनल के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी, बनाए हुए थे, जंपिंग मोशन के अंदर, टोपाज कलर के थे, शाइनिंग येलो कलर के थे, और बहुत ऑनरेबल, कॉन्फिडेंट, फियरलेस जो थे वो टाइगर्स थे. नाउ कम टू अवर सेकंड क्वेश्चन. व्हाई वर आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग? ये भी मैंने आपको लास्ट पॉइंट में, सेकंड पैराग्राफ में बताया था कि जो आंट जेनिफर की फिंगर्स थी, वो जब आइवरी नीडल जब वो पुल करती थी, तो उसकी फिंगर्स जो थी वो फ्लटरिंग करती थी. क्यों करती थी? आंट जेनिफर विक्टिम ऑफ जेंडर ऑपरेशन. बेटिया, इसमें आपको बताया हुआ है कि जो आंट जेनिफर थी वो क्या थी? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का एक पार्ट थी, उसकी विक्टिम थी, जहाँ पर जेंडर की, आपको बोला हुआ है, क्योंकि जो अंकल थे वो उसको क्या करते थे? सप्रेस, बहुत ओप्रेस जो लाइफ थी वो उसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत फील सो नर्वस फील करती थी एंड टेरिफाइड, और वो डरी हुई होती थी. हैंड्स शेक, उसके जो हाथ थे वो शेक करते थे, एंड फ्लटर, और फ्लटरिंग करते थे, व्हेन सिट्स डाउन टू वर्क, जब वो उस टेपेस्ट्री के अंदर से, स्क्रीन के अंदर से नीडल को पुल करती थी, क्योंकि मेंटली एंड फिजिकली वो बहुत वीक थी, मैंने आपको बताया था. दैट्स वाई जो उसकी फिंगर्स थी वो फ्लटरिंग करती थी और शो करती थी उसकी अंदर की इनर नर्वसनेस को, उसकी अंदर की परेशानी को, उसकी जो माइंड की दिक्कत थी उसको वो शो करती थी. Now come to the third one question. Uncle's wedding band. हमने उसके अंदर पोएम में लाइन पढ़ी थी कि अंकल का जो वेडिंग बैंड है, सिट्स हैवीली और मैसिव वेट जिसका था, वो क्या लाइन है? वो अंकल वेडिंग बैंड किसको कह रहे हैं? जो अंकल का वेडिंग बैंड है बेटा, ये एक सिंबोलिक है, ये एक सिंबलाइज कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनब्रेकेबल बॉन्ड. किस, कौन सा बॉन्ड? ऐसा बॉन्ड तो नहीं टूट सकता, मैरिज का बॉन्ड. किसका? हस्बैंड वाइफ का. लेकिन जो आंट जेनिफर थी उसका जो वो बॉन्ड था, जो विडिंग मैन का, दैट वाज अ हार्श एंड अनप्लेजेंट. वो बहुत ज़्यादा उसके लिए हार्श था, बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट था. उसकी जो मैरिड लाइफ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वो मेंटली एंड फिजिकली जो थी वो वीक हो गई थी. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंट जेनिफर डिफर फ्रॉम हर क्रिएशन. अब उसने, आंट जेनिफर ने क्या बनाया पैनल के ऊपर? टाइगर बनाए ना, टाइगर बनाए. लेकिन आंट जेनिफर का जो खुद का करेक्टर है वो टाइगर से बिल्कुल अलग है. क्यों अलग है? देखो, आंट जेनिफर जो है वो क्या थी, उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो मैंने आपको बताया एक बिग फेलियर था, जिसके अंदर वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी. ब्रॉड ओनली टॉर्चर्स एंड माइजरीज उसकी ज़िंदगी में, उसकी उस शादी से सिर्फ क्या था, दुख निराशा ही आई थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था. वीक टू फेस, और वो क्या थी, उस लाइफ को जिसको वो जी रही थी, जिस जिंदगी को वो जी रही थी, उसको, उसके अंदर जो उसके पास जो चैलेंजेस थे उनको फेस करने के लिए वो बहुत ज़्यादा वीक थी. लेकिन जो उसकी क्रिएशन, क्या क्रिएशन? टाइगर थी उसकी क्रिएशन. उसकी जो क्रिएशन थी, टाइगर थी, वो किस चीज़ का सिंबल है? स्ट्रेंथ का, ताकत का, ब्रेवरी का, फ्रीडम का. और वो भी चाहती थी
कि वो अपने टाइगर्स की तरह जिंदगी को जिए, जैसे उसके टाइगर्स बहुत फ्रीक्वेंटली फियरलेसली स्क्रीन के ऊपर जंपिंग मोशन में थे, वो जिंदगी को जीना चाहती थी। नाउ कम टू अवर लास्ट क्वेश्चन, पोएटिक डिवाइसेस। बेटा इस पोएम के अंदर पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी है आपको बताया, इमेजरी एंड सिंबल इस पोएम के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं, जैसे बार बार आपको पता लग रहा है कि किस सिंबल में क्या यूज़ किया हुआ है जो है। उसके बाद हमारे पास है ब्राइट टोपाज, मैंने आपको वहाँ बताया ब्राइट टोपाज जो है वो क्या है, ये मेटाफर है कि टोपाज कौन सा, जो ब्राइट है उस किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, शाइनिंग येलो कम्प्लेक्शन ऑफ हर टाइगर, जो उसके टाइगर से उसकी येलो कलर को हमें ये शो कर रहा है, बता रहे हैं, दैट इज अ ब्राइट टोपाज के अंदर इसमें मेटाफर हो गया। नेक्स्ट ज्वेलरिक सर्टेनिटी, ये दोनों स्टार्ट है सी लेटर से, तो सी यूज हुआ है, तो दैट इज अ एलिट्रेशन। यू नो वेरी वेल कि जब हमारे पास ये लेटर्स रिपीटेड होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। और लास्ट वन, इसमें हमसे पूछी जा सकती है कि पोएम के अंदर कोई भी स्टैंजा दिया होगा कि इसके अंदर राइम स्कीम क्या है, बट आपको बहुत अच्छे से पता है जो लास्ट वर्ड होता है हमारे पोएम के अंदर हर लाइन का, उसमें जो जो मैच होता है दैट इज ए राइम स्कीम। जैसे इसके अंदर हमारे पास ए ए बी बी सी सी डी डी, एक में ट्री दिया हुआ है, एक में ग्रीन दिया हुआ है, ठीक है। आपने लास्ट की जो लाइन्स के जो वर्ड्स हैं लास्ट वर्ड उनको देखना है, उससे आपने राइम स्कीम बनानी है। इस वाली पोएम में हमारे पास ये ए बी बी सी सी और डी डी है। इस पोएम के अंदर बेटा मेन यही क्वेश्चंस हैं, उसके अलावा जो आपके पास पोएम के लाइंस दी हुई जैसे अंकल्स वेडिंग बैंड या मैसिव वेट, उनको फिंगर स्प्लटरिंग, उनको ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज इस पोएम के अंदर इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन जो है नहीं बनता, आंसर्स इसमें से ही निकलेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म चेंज हो सकती है। क्लियर हो गया? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।